हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने रिदम के अंदर या फिर अपने वोकल के अंदर बेस को कैसे बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रिदम के अंदर या फिर कोई लूप्स ले रहे हो उसके अंदर या फिर आपका जो वोकल रिकॉर्ड किया है उसके अंदर अगर बेस नहीं है तो बेस को आप अलग से कैसे ऐड कर सकते हो। तो बेस को ऐड करने के लिए आपको कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, बेस का कोई भी मैंने अभी इफ़ेक्ट ऐड नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आपको सुनाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप ये देख रहे हो, वीडियो को सुन रहे हो, तो आप अच्छे से हेडफोन को लगाकर सुनिए या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा सा स्पीकर हो तो उसमें सुनिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ना तो कंप्रेसर के बारे में बता रहे हैं, ना तो डिले और ना ही रिवर्ब के बारे में बता रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सब बेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप अपने रिदम के अंदर या फिर वोकल के अंदर बेस को कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मिक्स रिदम है, आप कोई भी रिदम ले सकते हो, मैंने इसको लिया हूँ और इसके अंदर बेस है बिल्कुल ना के बराबर। जी हाँ दोस्तों, बेस है इसके अंदर, लेकिन इतना बेस नहीं है जितना हमें चाहिए, और हमें चाहिए इसके अंदर और भी बेस को ऐड करना है, तो वो चाहे वोकल हो या फिर आपका रिदम हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है एडिट चैनल पर, और यहाँ पर आपको बेस बढ़ाने वाला प्लगइन्स लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेस, और इसके अंदर सारे आपको बेस के प्लगइन्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं बेस बढ़ाने के लिए, काफ़ी अच्छे प्लगइन्स से अच्छा क्वालिटी देते हैं, जैसे कि CLA बेस स्टीरियो है, JPP बेस मोनो स्टीरियो है, और उसके बाद में मेसराटी B72 मोनो स्टीरियो है यहाँ पर, उसके बाद में मैक्स बेस स्टीरियो है। तो यहाँ पर आपको यूज करना है मैक्स बेस स्टीरियो। बाकी के प्लगइन्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको तीन नोब मिल जाते हैं, जैसे कि इनपुट है, ओरिजिनल बेस है और मैक्स बेस है। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर बेस को ऐड करना है। तो ये जो चीज़ है देख सकते हो, यहाँ पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो है, इसके अंदर इसके थ्रू बेस नहीं जा रहा है, और हमें इसके अंदर बेस को ऐड करना है। उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप इसके बेस को बढ़ा भी सकते हो, कट भी कर सकते हो, तो सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको सुना देते हैं, इस प्लगइन्स को लेकर के। बाकी यहाँ पे देख सकते हो प्रेसेट भी हैं, आप अगर इन प्रेसेट को यूज करना चाहते हो तो आप ये वाला प्रेसेट यूज कर सकते हो, और बाकी आप इनमें से देखिए, आप अच्छे स्पीकर में सुनिए कि आपको कौन सा प्रेसेट अच्छा लगता है, आप वो प्रेसेट इनमें से यूज कर सकते हो। अब इसमें आपको सुनाते हैं, तो ये अपने हिसाब से जो इसका बेस है यहाँ पे -10 dB यहाँ पे बढ़ा है, और हमें इसका ओरिजिनल बेस यहाँ पे इनपुट से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। मेन आपका ओरिजिनल बेस मैं आपको यहाँ पे सुना दूँ, ये आपका मैं जो मैक्स बेस है जो इसमें ऐड है, जो इसमें सुनाई दे रहा है आपको, मैक्स बेस का आप आउटपुट सुन सकते हो यहाँ पे। ये जो आप अभी सुन रहे हो वो है मैक्स बेस का आउटपुट, उसके बाद में ये है आपका ओरिजिनल बेस। तो मैंने आपको सुना दिया, उसके बाद में इस आइडियो पे क्लिक करते हैं, तो इन सब को मिला करके जो आपका ये आउटपुट बज रहा है, इसके अंदर जो बेस ऐड हुआ है वो आप एक साथ में सुन रहे हो। और अब हमें इसके अंदर ओरिजिनल बेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, -2 dB तक, -2 dB या -1 dB तक। आप पहले हम इसको सुन लेते हैं कि कितना ये बेस है।
क्योंकि अगर हम इसके अंदर ज़्यादा बेस भी ऐड कर देंगे तो जो हमारा इसके अंदर जो रिदम जो बज रहा है उसका क्वालिटी यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यानी कि जो इसके अंदर किक होगी और जो परक्यूशन से लगा होगा कोई भी आप जब मिलके बनाओगे रिदम को, तो ये उस ओरिजिनल जो आपका बीट लगा होगा उसकी क्वालिटी को ये लॉस करेगा। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल बेस को थोड़ा सा 2.0 यानी कि 2 dB तक इसके बेस को यहाँ पे इंक्रीज किया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैक्स बेस को बढ़ाएंगे। मेन आपका ये होता है, आप जितना बेस को ऐड करना चाहते हैं इससे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको फुल करके यहाँ पे सुना देता हूँ, अगर आप हेडफोन या फिर आप अगर स्पीकर पे सुन रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसको हम 12 dB लेकर के इसको अगर हम प्ले करेंगे तो जो इसके अंदर बेस होगा मैक्स बेस यानी कि जो धमक होगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत ही धमक आ रही है इसके अंदर मैक्स बेस का जो यूज करते हैं यहाँ पे 12 यहाँ पे डीबी के लिए। तो पहले तो इसको हम लगभग 4 dB करके देखते हैं इसको। हमारे हिसाब से तो ये फ़िलहाल ठीक बज रहा है, क्योंकि हमें इतना इसके अंदर बेस नहीं ऐड करना है जिससे केवल बेस ही बेस सुनाई दे और जो रिदम है वो उतना अच्छा क्वालिटी में उसका आउटपुट ना निकले। तो हमें इसको इतना रखेंगे। उसके बाद में ये हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी इसकी। तो आप कितना इसका फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं वो हम इसको बजा करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी अगर हम इसको 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल 0 बेस यहाँ पे सुनाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम इसके अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही हमारा बेस इंक्रीज होगा। इसको आप 80 के ऊपर न रख के बल्कि आप 60 या 80 के बीच तक इसको आप रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बेस होगा तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। उसके बाद में ये हाई पास है, अगर आप हाई पास को अगर आप कट करना चाहते हो तो आप इसकी मदद से यहाँ पे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अभी आप सुन रहे हो उसके अंदर यानी कि इस रिदम के अंदर बेस को मैंने ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना हमें चाहिए मैंने उतना इसके अंदर बेस को ऐड किया हूँ। तो ये हो गया आपका मैक्स बेस स्टीरियो। आप इस प्लगइन्स को यूज करके आप अपने रिदम के अंदर या फिर वोकल के अंदर बेस को जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे हटाएं तो इसके अंदर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बेस राइडर स्टीरियो है और JPP बेस स्टीरियो है, मेसराटी B72 मोनो स्टीरियो है। आप इनका यूज करके वोकल का या फिर अपने रिदम का जो बेस है बढ़ा सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया हूँ कि कहाँ से आपको बेस को बढ़ाना है। आप सुन करके बढ़ा सकते हो अच्छा सा स्पीकर यूज करके, और आप अपने वोकल के अंदर या फिर रिदम के अंदर बेस को बहुत अच्छी तरीके से जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। तो ये आपको जानकारी हो गई कि हम अपने वोकल के अंदर या फिर रिदम के अंदर बेस को बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबाएँ।